और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची जिसमें 9 लोग घायल हो गए। भारी भीड़ की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मच गई थी। त्योहार सीजन के चलते रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में यहां पर भीड़ जुटी हुई थी। इन तस्वीरों को आप देखिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच गई। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, भगदड़ मची है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ट्रेन में चढ़ने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह की ये बात है, और इसके बाद 9 लोग इस घटना में घायल हो गए, जिनको तुरंत आप देखिए किस तरह से अस्पताल भर्ती कराया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, घायलों को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, और दूसरी तस्वीर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, जहां पर भारी संख्या में भीड़ है। तो मुंबई के बांद्रा स्टेशन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और त्योहारी सीजन होने की वजह से लोग अपने अपने घर को जाने के लिए निकले थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ने के लिए कि भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए हैं। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जब प्लेटफॉर्म पर घायल लोग वहां पर मौजूद थे, तो पुलिसकर्मी और जो आसपास के पैसेंजर्स थे, उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और घायलों को यहां पर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं। खचाखच यहां पर प्लेटफॉर्म भरा हुआ है पैसेंजर्स से, और जैसे ही ट्रेन आती है, हर कोई इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। तो आज सुबह की ये घटना है, 9 लोग इसमें घायल हो गए हैं, ट्रेन में चढ़ते वक्त ये हादसा हुआ। इन सब के बीच इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। क्या कहना है नेताओं का, ये आपको सुनवाते हैं। आपने देखा होगा आज बांद्रा में क्या हो गया। आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से, देखेंगे क्या होता है। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? मैं महाराष्ट्र सरकार के नाकामी की बहुत निंदा करता हूँ। वहीं सूरत रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ जुट गई है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। त्योहार में किसी तरह लोग ट्रेन में घुसकर घर जाना चाहते हैं, और इन तस्वीरों को आप देखिए, ट्रेन में घुसने के लिए यहां धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ होने की आशंका और बढ़ गई। सूरत के उदना रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 35,000 से ज्यादा यात्रियों की भीड़ देखने को मिली है। त्योहार के मद्देनजर उत्तर भारत की ज्यादातर ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। भीड़ से निपटने के लिए रेलवे से सारे जितने भी इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। 35,000 से ज्यादा लोग, और ये तस्वीरें सूरत की, इससे पहले आपने बांद्रा की भी तस्वीरें देखी थी। तो उत्तर भारत की ओर लोग जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं, और कैसे आप देखिए, चाहे वो सूरत हो चाहे वो बांद्रा हो, हर कोई अपने घर पहुंचने के लिए यहां रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा है। सूरत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 35,000 यहां पर इससे ज्यादा पैसेंजर्स वहां पर नजर आए, और यही रीजन है। आपको बता दें कैसे पूरे इलाके में देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रेलवे कह रहा है कि हमने किया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि सूरत रेलवे स्टेशन पर उस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं, और बांद्रा में जो तस्वीरें देखने को मिली वो भी कई सवाल खड़े करती है कि जब इतने इंतजाम थे तो इस तरह की परिस्थिति कैसे हो गई, भगदड़ कैसे मच गई, और 9 लोग इस पूरी घटना में घायल कैसे हो गए। तो चाहे बांद्रा हो चाहे सूरत हो, एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। त्योहार का ये सीजन है, हर कोई अपने अपनों के साथ इसे मनाना चाहता है, और इसी की वजह से रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भीड़ नजर आ रही है। लेकिन इस भीड़ को काबू करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। Zee News.